हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बेबी फ्रॉक, और ये बहुत ही छोटे बच्चे के लिए मैं इसमें फ्रॉक की डिज़ाइन बनाऊंगी। ये मेरे पास छोटे छोटे दो पीस बचे थे, तो इसके लिए मैं टॉप पार्ट रेडी करूंगी, जिसकी विड्थ है 12.5 इंच और लेंथ है 10 इंच। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक और पीस लिया है, उसे भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो नीचे वाला जो पीस है वो ऊपर वाले पीस से 2 इंच बड़ा है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने शोल्डर का निशान लगाया है 3.5 इंच पे, और आर्म होल का निशान लगाया है 4 इंच पे। छोटे बेबी का यही मेजरमेंट होता है। और हमने यहाँ पे बस्ट साइज़ लिया है 5.5 इंच। सिलाई होने के बाद बस्ट साइज जो है ये 5 इंच होगा। और इस तरीके से थोड़ा सा तिरछी ए लाइन में हमें निशान लगाना है, और ऊपर हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, और दिए गए निशान पे हमको कटिंग कर लेनी है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। और नीचे से हम 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसकी शेप कुछ इस तरह की है। ये देख सकते हैं इसकी चौड़ाई लगभग 12 इंच है और लंबाई जो है 10 इंच है। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी को हम इस फैब्रिक पे इस तरीके से रखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें बटन पट्टी बनानी है, तो इसलिए हमने कपड़ा 2 इंच ज़्यादा लिया है। तो इस तरीके से जिस तरीके से शेप है हमारी बैक पार्ट की, सेम उसी शेप में हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। और इसकी कटिंग बहुत ईजी है, बहुत जल्दी ये कट के और सिल के ये वाली फ्रॉक रेडी हो जाती है। और ऊपर से थोड़ी सी इस तरीके से हमें तिरछी कटिंग कर लेनी है, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। ये फोल्ड होके हमारी बटन पट्टी बनेगी। आप चाहें तो इस तरीके से निशान लगा लें, तो अंदाज़ा रहेगा कि इतनी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड होनी है। इस तरीके से एक पट्टी पूरी फोल्ड होगी, एक पट्टी थोड़ी सी बाहर रहेगी, क्योंकि हमें ओवरलैप करनी होती है पट्टी को। ऊपर से हमने नेक विड्थ ली है 1.5 इंच, ये बैक नेक है, और ये 1/2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के हमने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। छोटे बच्चों के गले हम ज़्यादा बड़े नहीं करते हैं, और फिर हमने बटन पट्टी लगाया तो इसलिए हमें छोटा ही गला रखना है। तो इस तरीके से हम राउंड में बैक नेक कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। फ्रंट नेक की चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है, और नेक डेप्थ हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आगे बटन प्लैकेट्स बनते हैं, और छोटे बच्चों में हमेशा बटन प्लैकेट्स ही बनाना चाहिए, क्योंकि छोटे कपड़े जो हैं बहुत मुश्किल से छोटे बच्चों को पहनाने में थोड़ी दुश्वारी होती है, इसीलिए उनके कपड़ों में बटन प्लैकेट्स बनता है, और इसलिए हम नेक भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से नेक कट गई है। अब सबसे पहले हम ये प्लैकेट्स स्टिच करेंगे फोल्ड करते हुए। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से इसको भी फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पट्टी ली है नीचे फ्रिल के लिए, जिसकी विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ है 40 इंच। अब सबसे पहले जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है बटन प्लैकेट्स के लिए। और ध्यान दें दोनों प्लैकेट्स एक जैसी हों। जैसे हमने ये नेक पे हमें ख़त्म करना है, तो फिर हमें दूसरा बटन प्लैकेट्स नेक से ही शुरू करना है। कभी कभी ये होता है अगर ध्यान ना दें तो प्लैकेट्स एक ही जगह पर एक साथ हो जाती हैं। तो ये देखिए नेक पे ख़त्म हुआ, तो फिर इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए नेक से ही शुरू करेंगे। और बहुत से लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियोस कैसी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा।
ये हमने बटन प्लैकेट रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ, और इस तरीके से हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम शोल्डर की फिनिशिंग देंगे, तो उसके लिए हमने ये क्रॉस बायस स्ट्रिप कट की है। इसको इस तरीके से कपड़े को हम सीधी तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हम ये क्रॉस बायस स्ट्रिप रखेंगे, और इस तरीके से रखते हुए मैं एक पैर के मार्जिन से सिलाई कर लेनी है। और इस तरीके से हम पट्टी को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए बारीक पाइपिंग हमें निकालनी है। छोटे बच्चों के कपड़ों में बारीक पाइपिंग अच्छी लगती है, तो मैं इसी से बारीक पाइपिंग निकालूंगी। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी शोल्डर की फिनिशिंग कर लेंगे बारीक पाइपिंग निकाल कर, और नेक की पाइपिंग लगाते हुए पूरी वीडियो मेरी से शूट नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। जितनी वीडियो है मैं उतना ही इसमें मैंने ऐड किया है। फिर मैं नेक की फिनिशिंग दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने राइट साइड पे तिरछी पट्टी रख के स्टिच कर लिया, फिर उसको रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड, बारीक डबल फोल्ड करते हुए और थोड़ी सी बाहर की तरफ पाइपिंग निकालते हुए मैं नेक की स्टिचिंग कर रही हूँ। अब मैं दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरीके से आयरन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये टॉप रेडी हो गया है। अब मैं इसके बॉटम में फ्रिल लगाऊंगी। फ्रिल के लिए ये मैंने पीस लिया है, जिसकी विड्थ मैंने 3.5 इंच और लेंथ 14 इंच लिया है। तो सबसे पहले मैं नीचे डबल फोल्ड करके, बारीक डबल फोल्ड करके मैं सीधी सिलाई लगा लूंगी। नीचे की साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं ऊपर की साइड, इसमें मैं छोटी छोटी हाथ की मदद से चुन बनाऊंगी। इस तरीके से मशीन को धीमी चलाएंगे और इस तरीके से हाथ से आप धीरे धीरे चुन बना लेंगे। ये चुन बनाना बहुत इजी है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये चुन ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप चाहें तो आप सिंपल सीधी सिलाई लगा के और जो धागा खींच के जो चुन बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, बट मैं इसमें चुन इस तरीके से हाथ की मदद से बना रही हूँ। अब हम प्लीट्स नीचे अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम टॉप पार्ट को राइट साइड पे रखेंगे और ये फ्रिल को जो है हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पे रखेंगे, और इस तरीके से एक कॉर्नर पे इसको इस तरीके से रखते हुए थोड़ा सा कपड़ा हम बाहर निकालेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और इस तरीके से रखते हुए हमें गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इस तरीके से आप कट कर लेंगे, और थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की साइड हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे कॉर्नर पे पक्की सिलाई लगाएंगे।
फिर फ्रिल को इस तरीके से हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरीके से। और फिर अच्छे से आयरन करने के बाद हम टॉप स्टिच की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से किनारे किनारे। अब मैं इस तरीके से ऊपर से टॉप स्टिच की सिलाई लगाऊंगी ताकि ये फ्रिल हमारी बैठ जाए। यहाँ कॉर्नर पे हल्का सा कट लगाएंगे और इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए हमें टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। इस टॉप में ऊपर मैं हाथ से बना के बटन लगाऊंगी। ये मेरा ट्राउजर का बचा हुआ कपड़ा है तो उससे मैं ये बटन बनाऊंगी। इस तरीके से कपड़े के अंदर बटन को रखते हुए फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से ऊपर से हमें धागा लपेटना है और इस तरीके से नॉट लगा लेना है। अगर आपके पास रेडीमेड बटन है तो आप वो भी लगा सकते हैं और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारे बटन बनाने हैं। ये मैं टॉप के ऊपर लगाऊंगी और अंदर मैं स्टिच बटन लगाऊंगी जिसे चुटपुटिया बटन भी कहते हैं। इस तरीके से आप बेबी टॉप को किसी भी तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। इससे जो है बेबी टॉप और भी खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारे बटन बना लिए हैं। अंदर मैंने स्टिच बटन लगा दिए हैं और ऊपर से ये बटन मैं इसमें स्टिच कर लूँगी। देखिए मैंने बटन स्टिच कर दिया है और ये मेरे पास फ्लावर था ग्रीन कलर का, तो ये भी मैंने सुई धागे की मदद से लगा दिया है टॉप पे। ये टॉप बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसकी पैंट बनाना बताती हूँ। पैंट के लिए ये मेरे पास छोटा सा पीस बचा था सिंगल पीस फैब्रिक, तो इसको इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ और एक बार मैं और फोल्ड कर लूंगी। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करके इसकी विड्थ 8 इंच है और लेंथ 9.5 इंच है। तो इसमें मैं थोड़ा और आगे की तरफ फैब्रिक ऐड करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये शॉर्ट लग रही है। सबसे पहले मैं क्रॉच लेंथ का 8 इंच पे मैं मार्क करूंगी और इस तरीके से आगे की तरफ मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी। ऊपर भी 2 इंच का मैं मार्क करूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी और इस तरीके से मैं क्रॉच कर्व का गोलाई का निशान लगाऊंगी और इस तरीके से इधर भी हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं बॉटम में लेंथ इंक्रीज करने के लिए कपड़ा लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। नीचे जो है मैं कपड़ा 2.5 इंच का लगाऊंगी लेकिन सिलाई में भी 1/2 इंच जाएगा, तो मैं उसके लिए एक पट्टी लूंगी 3 इंच चौड़ी पट्टी। ऊपर भी बीच से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे बैक ऑफ फ्रंट पार्ट। पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और इस तरीके से हमें राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और आप चाहें तो इस जोड़ पे एक छोटी सी पतली सी लेस लगा सकते हैं, बट इसको मैं सिंपली रखूंगी क्योंकि ये घर में ही पहनना है। और इस तरीके से राइट साइड पर रख के हमें सबसे पहले क्रॉच एरिया स्टिच करना है। एक पैर का मार्जिन देते हुए दोनों साइड के क्रॉच एरिया में स्टिच कर लेना है। इस तरीके से सिलने के बाद हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे और क्रॉच वाले लाइन को हमें सेंटर में रखना है इस तरीके से। और फिर हमें बॉटम को बारीक डबल फोल्ड करके हमें स्टिच करना है, लेकिन उससे पहले हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक को हमें इस तरीके से रखते हुए डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ध्यान दें कि हमें सिलाई
कपड़े पे करनी है, इलास्टिक पे नहीं करनी है। और इस तरीके से इलास्टिक को रखते हुए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे आप इस तरीके से पहले पक्का कर लें ताकि आपकी इलास्टिक यहाँ पे सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से बारीक डबल फोल्ड करते हुए इलास्टिक को अंदर करते हुए आपको कपड़े पे सिलाई लगानी है। और जितनी आपको इलास्टिक चाहिए उतनी फिर आप मेजर करके आप कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अलग तरीके से भी सिल सकते हैं, जैसे मैंने और वीडियोस में दिखाया है कि पहले आप इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लें और फिर सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक इंसर्ट करें, बट इससे आपका टाइम बच जाता है, एक ही मर्तबे में आपका फोल्डिंग और इलास्टिक भी अटैच हो जाती है। फिर इस तरीके से हम धीरे धीरे इलास्टिक को खींचेंगे और जितनी आपको इलास्टिक चाहिए आप मेजर करें और इस तरीके से हम कट करके कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मुझे यहाँ पे इलास्टिक चाहिए 8 इंच, तो इस तरीके से यहाँ से आप कट कर लें और इस तरीके से यहाँ पे इलास्टिक पे आपको यहाँ पे पक्का कर लेना है। इस तरीके से खींचते हुए डबल फोल्ड करते हुए देख सकते हैं मैंने जूम करके दिखाया है, इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए आप यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर लें। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी स्टिच करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इलास्टिक रखेंगे और इस तरीके से हमें बारीक डबल फोल्ड करते हुए पहले इलास्टिक को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे हमें पक्की सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद हमें कपड़े पे सिलाई लगानी है, इलास्टिक पे नहीं लगानी है। अब इस तरीके से हम क्रॉच एरिया की यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से आप बचे हुए फैब्रिक का कुछ भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेबी का बना सकती हैं। कोई भी फैब्रिक वेस्ट करने से अच्छा है आप इस तरीके से कुछ भी क्रिएटिव आप बना सकते हैं। कमर के लिए हमने इलास्टिक लेंथ ली है 14.5 इंच। सबसे पहले इलास्टिक को इस तरीके से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से हमें सेंटर में रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे स्टिच करेंगे और ध्यान दें कि कपड़ा सिलाई में नहीं आना चाहिए।
उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।